क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने त्योहारों में से एक जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा है। क्या आप इसके जश्न के पीछे की कहानी जानते हैं? जगन्नाथ का अर्थ है दुनिया का स्वामी और हिंदू देवताओं के रूप में कृष्ण विष्णु राम ने उड़ीसा में पूजा की। उड़ीसा अपने प्रसिद्ध और पवित्र जगन्नाथ मंदिर के लिए जाना जाता है जो पुरी में है। रथ यात्रा या रथ उत्सव जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है जो भगवान जगन्नाथ से जुड़ा होता है। इस वर्ष यात्रा 23 जुलाई से शुरू हो रही है और विशेष रूप से उड़ीसा झारखंड और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है? डबलिन मॉस्को और न्यूयॉर्क जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाने वाली रथ यात्रा पुरी में मौसी माँ मंदिर के माध्यम से गुंडिचा मंदिर में जगन्नाथ की यात्रा को मनाने के लिए है। भगवान जगन्नाथ उनकी यात्रा त्योहार और मंदिर के पीछे की कहानी जानने के लिए पढ़ें। आधुनिक समय में पौराणिक कथाओं की प्रासंगिकता पर लिखने वाले देवदत्त पट्टनायक ने रथ यात्रा के अपने संस्मरण में लिखा है, एक मरते हुए देवता की ओर इशारा करते हुए इस संस्मरण के माध्यम से पट्टनायक ने यात्रा के अपने अनुभव का वर्णन अनुष्ठान उत्सव के पीछे की कहानी के साथ किया है और देवता उनकी व्याख्या को ध्यान में रखते हुए हम आपको रथ यात्रा के प्रतीकवाद और इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे। स्थानीय रूप से जगन्नाथ को काले रंग के लिए बड़े प्यार से कालिया कहा जाता है। हालांकि आधुनिक रंग पूर्वाग्रह कई जोर देते हैं कि कृष्ण वास्तव में नीला है, वह भगवान है। बेशक एक राजधानी जी के साथ वर्तनी है, लेकिन उससे अधिक वह आपका दोस्त है। जैसा कि मंदिर में प्रमुख भाव सखा भाव मित्रता की भावना के माध्यम से भक्ति है। उद्धरण चिन्ह, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ अद्वितीय क्यों है? मंदिर की अनोखी विशेषता यह है कि कृष्ण की पूजा जीवन साथी के साथ नहीं बल्कि उनके भाई बहनों, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा के साथ की जाती है। सुदर्शन चक्र के साथ चित्र विकृत होते हैं जिसमें हाथ या पैर नहीं होते हैं और बड़े पैमाने पर अनुपातहीन होते हैं। वे धातु या पत्थर से नहीं बल्कि लकड़ी और कपड़े और राग से बने होते हैं और इसलिए उन्हें समय समय पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अनुष्ठानों के लिए अग्रणी जिसमें निहित देवता बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं और पुनर्जन्म होते हैं। कहानी यह बताती है कि जब प्रतिमा पर नक्काशी की जा रही थी तो कारीगर ने संरक्षक राजा को मूर्तियों पर काम पूरा होने तक दरवाजा नहीं खोलने के लिए कहा था, लेकिन अधीर राजा ने कार्यशाला का दरवाजा खोल दिया क्योंकि उसने लकड़ी की नक्काशी और पॉलिश की आवाज नहीं सुनी थी। इस प्रकार मूर्ति को अधूरा छोड़ दिया गया था। त्योहार के दौरान देवताओं को अपने शेष अंगों को पूरा करने के लिए 208 किलोग्राम सोने से सजाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले क्या होता है? यात्रा की शुरुआत उड़ीसा में देवता के पुनर्जन्म के समारोह के लिए होती है जिसे नाबा कालेबारा कहा जाता है, जो हर 10-19 साल में होता है। THS की रस्म तब होती है जब अतिरिक्त महीने अधिक मास को हिंदू चंद्र कैलेंडर को सौर चक्र में संरेखित करने के लिए होता है, जो गर्मियों में दिखाई देता है, जो केवल एक नहीं बल्कि दो महीने आषाढ़ जून जुलाई बनाता है। हर साल इस महीने में जब गर्मी अपने चरम पर होती है, देवता और उनके भाई सार्वजनिक रूप से स्नान करने के लिए बाहर निकलते हैं। मंदिर के अंदर गर्मी को सहन करने में असमर्थ होते हैं। इसे स्नाना पूर्णिमा कहा जाता है। इसके बाद पखवाड़े के लिए कृष्ण और उनके भाई बहने सूर्य के नीचे 108 घड़े पानी से स्नान करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और एक वसूली कक्ष में रखा जाता है जिसे अंसर घर कहा जाता है। जब वे ठीक हो जाते हैं तो उनकी भूख लौट आती है और वे अपनी चाची गुंडिचा द्वारा पकाया गया खाना खाना चाहते हैं, जिसका घर उनके मंदिर से थोड़ा दूर है। तो कृष्ण अपने भव्य रथ पर कदम रखते हैं और वहां अपना रास्ता बनाते हैं। यह प्रसिद्ध 9 दिवसीय जगन्नाथ रथ यात्रा इस वर्ष यह 18 जुलाई से शुरू होती है की शुरुआत है, जिसके विशाल रथों ने अंग्रेजों को बाजीगर शब्द गढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्या आप देवताओं के रथों के बारे में जानते हैं? देवताओं के रथ हर साल नवनिर्मित होते हैं। जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष कहा जाता है, बलभद्र के रथ को तलध्वज कहा जाता है और सुभद्रा को द्वारपालन कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ पर कुल 16 पहिए हैं, भगवान बलभद्र का रथ 14 और सुभद्रा का रथ 12 है।
क्या आप जानते हैं कि त्योहार के दौरान क्या होता है? रथ यात्रा बचपन से कृष्ण की एक प्रतीकात्मक यात्रा है, इसलिए भाई बहन के साथ ले जाया जाता है, न कि पत्नी लक्ष्मी जो मुख्य मंदिर में पीछे रह जाती है बाघ की जलन के लिए, जो पुजारियों और महाआरियों के लिए अनुष्ठान से बाहर हो जाती है मंदिर के नर्तक योर के दिनों में, यह महसूस करने के लिए कि महान जगन्नाथ के पास भी अगले दरवाजे की तरह वैवाहिक समस्याएं हैं। मंदिर का खाना या महाप्रसाद, जिसे स्थानीय रूप से अभा के रूप में जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक वैसे ही जैसे पूरी मंदिर अपनी रसोई के लिए प्रसिद्ध है। भोजन के बड़े बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और लकड़ी की आग और भाप से पकाया जाता है, शीर्ष परत से शुरू होता है। यह संभवतः पट्टानिक नोटों के रूप में दुनिया में सबसे बड़ा प्रेशर कुकर है। आराध्य भाग यह है कि भोजन प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर से सटे छोटे बाजार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिसे आनंद बाजार कहा जाता है। एक केले के पत्ते पर परोसा जाता है और फर्श पर बैठकर खाया जाता है। भोजन में खिचड़ी, दाल, सब्जियां और एक मिठाई खत्म होती है जो सबसे अधिक पोषित होती है। ओडिशा के प्रसिद्ध मीठे व्यंजन जैसे कि छेना पोदा पिठा, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला बेग रसगुल्ला और नूडल गुड़ की खीर के साथ खजूर गुड़ का दलिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।